नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं नूतन वरुण। सबसे पहले मुख्य समाचार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की आत्मनिर्भर भारत सप्ताह की शुरुआत। देहरादून डीआरडीओ को मिली महत्वपूर्ण जिम्मेदारी। ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्री का किया जाएगा आधुनिकीकरण। आज मनाया गया विश्व बायोफ्यूल दिवस। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून ने शुरू की नई योजना। गांव गांव पहुंचेगा बायोफ्यूल अभियान। प्रदेश भर में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित। रुद्रप्रयाग जिले के सिरवाड़ी क्षेत्र में फटा बादल। राजधानी देहरादून में उफान पर नदियां। कई इलाकों में जल भराव। और चमोली में वाहन पर मलबा गिरने से पोखरी नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी की मौत। लगातार मलबा गिरने से हादसों का बना है खतरा। अगले चार दिन हो सकती है हल्की से मध्यम बारिश। और अब समाचार विस्तार से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज आत्मनिर्भर भारत सप्ताह की शुरुआत की। डीआरडीओ द्वारा डिजाइन की गई प्रौद्योगिकी को अपनाकर घरेलू रक्षा उत्पादकों को नकारात्मक सूची में शामिल वस्तुओं का निर्माण करने का एक बड़ा अवसर मिलेगा। इसके तहत देहरादून में डीआरडीओ को भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्री देहरादून की क्षमताओं का आधुनिकीकरण किया जाएगा। रक्षा मंत्री ने कल घोषणा की थी कि भारत 2024 तक परिवहन विमान, हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर, पारंपरिक पनडुब्बियों और क्रूज मिसाइलों सहित 101 हथियारों और सैन्य प्लेटफॉर्म के आयात को रोक देगा। ये कदम घरेलू रक्षा उत्पादन को गति देने के लिए है। इस सप्ताह के दौरान होने वाली सभी एक्टिविटीज इंडिजिनस डिफेंस प्रोडक्शन को बढ़ावा देंगी, जो हमारी आत्मनिर्भरता की ओर एक बहुत बड़ा कदम होगा। जीआरएसी ओएलएफ देहरादून, आर्डनेंस फैक्ट्री चांदा में शुरू किए जा रहे मॉडर्नाइजेशन ऑफ फैसिलिटीज से हमारी आर्म फोर्सेज आधुनिक तो बनेगी ही, साथ ही हम दूसरे देशों की बजाय अपने ऊपर निर्भरता की ओर आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सचिवालय में उरेडा की ओर से चलाई जा रही योजना की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को वैकल्पिक ऊर्जा को बढ़ावा देने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि पीरूल से बिजली उत्पादन के लिए स्वयं सहायता समूह और एनजीओ को कैसे जोड़ा जा सकता है, इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। पर्वतीय जिलों में दो दो ब्लॉक ऐसे चिन्हित किए जाएं जहां पीरूल अधिक है। मुख्यमंत्री ने इन ब्लॉकों को मॉडल ब्लॉक के रूप में विकसित करने को कहा। उन्होंने कहा कि पीरूल से बिजली उत्पादन में रोजगार की बहुत संभावनाएं हैं। इसके लिए जनपद स्तर पर डीएफओ को नोडल अधिकारी बनाने के भी निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पीरूल नीति से बिजली उत्पादन के साथ ही वनाग्नि की समस्या का समाधान भी होगा। उन्होंने मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना की कार्य योजना जल्द तैयार करने के भी निर्देश दिए। देहरादून में आज भारतीय पेट्रोलियम संस्थान में बायोफ्यूल डे मनाया गया। विश्व जैव ईंधन दिवस 10 अगस्त को मनाया जाता है। इस मौके पर आईआईपी देहरादून ने पेटेंट प्रक्रिया के माध्यम से सामान्य तापमान पर बायोडीजल बनाने की योजना शुरू की है। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान की योजना खाना पकाने के बाद बचे तेल से जैव ईंधन बनाने की है। इस अभियान को गाँव में भी शुरू किया जाएगा। आईआईपी के निदेशक अंजन रे ने बताया कि खाना पकाने के तेल का फिर से उपयोग करने से कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियां हो सकती हैं। जब से 10 अगस्त को वर्ल्ड बायोफ्यूल डे तय हुआ, तब से हमारी संस्थान काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान करती आई है। इसमें जैसे हम लोगों ने जैव ईंधन से विमान उड़ाए हैं, बायोडीजल गांव-गांव में ले जाने की परिकल्पना कर रहे हैं। आप सबको हम प्रोत्साहित करेंगे कि आप कृपया सामान को कचरे में न फेंकें, जैव ईंधन की ओर उसका योगदान करें। रूम टेम्परेचर बायोडीजल यूनिट, इन दिस विदाउट हीटिंग वी कैन मेक बायोडीजल फ्रॉम सिंपल एंड रेडिली अवेलेबल मटेरियल्स लाइक यूज्ड कुकिंग ऑयल फ्रॉम आवर किचन्स। टू दिस वी एड मेथनॉल एंड सम प्रोप्राइटरी केमिकल्स ऑफ सीएसआईआर आईआईपी। इस योजना में दो तरह की यूनिट तैयार की गई हैं। एक की क्षमता 50 लीटर की है, इसे ट्रक जैसे बड़े वाहनों पर चढ़ाया जा सकता है। दूसरी यूनिट 5 लीटर की है, जिसे साइकिल जैसी छोटे वाहन पर भी चलाया जा सकता है। आईआईपी का लक्ष्य इस अभियान को देश के प्रत्येक गांव तक पहुंचाना है। किसान इसे आसानी से उपयोग में ला सकेंगे। We have also developed a small 5 liter unit, which can be used in rural areas.
As you can see, after 4 to 5 hours of reaction, two layers get separated. Upper layer is the biodiesel layer and lower layer is glycerol layer. The upper layer can be used directly into the gensets and the other agricultural machineries with up to 20% blending into the diesel. And this glycerol layer can be used in pharmaceutical industry and soap making industry. This is a hand driven unit which can be mixed like this, but it can also be mounted on a bicycle. भारत में हर साल लगभग 22 मिलियन टन खाना बनाने वाला तेल उपयोग में लाया जाता है। इसमें से केवल 1.2 मिलियन टन बायोफ्यूल में परिवर्तित होता है। इसे पूरा बायोफ्यूल में बदलने के बाद ये हमारी ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ा सकता है और जलवायु परिवर्तन से लड़ने में हमारी मदद कर सकता है। IIP देहरादून, रायपुर, बुंदेलखंड, NCR और उत्तराखंड में इस प्रक्रिया को लागू करने की तैयारी में है। अभी हमारे पास लगभग 20 से 22 मिलियन टन यूज कुकिंग ऑयल की खपत होती है इंडिया में, और उसमें से हम खाली 2 से 3 मिलियन टन UCO कलेक्ट कर पाएँ और उसे बायोडीजल में कन्वर्ट कर पाएँ। वी कैन से लॉट ऑफ बाई मार्च 2021 वी आर गोइंग टू इंस्टॉल दिस टाइप ऑफ यूनिट अराउंड 4 to 5 प्लेसेस विच इंक्लूड्स CBD रायपुर इन छत्तीसगढ़ रीजन, बुंदेलखंड रीजन इन UP एंड देहरादून रीजन through our local aggregator and one for NCR region. राज्य में भारी बारिश का दौर जारी है। देर रात हुई भारी बारिश के कारण प्रदेश के विभिन्न जिलों में नुकसान की सूचना है। रुद्रप्रयाग के सिरवाड़ी गांव में बादल फटने से लोगों की खेती बुरी तरह प्रभावित हुई है। हालांकि जनहानि की कोई सूचना नहीं है। बारिश से सिरवाड़ी गांव के घरों में मलबा घुस गया। वहीं गाँव को जाने वाली सड़क, संपर्क मार्ग, पेयजल और विद्युत लाइनें भी क्षतिग्रस्त हो गई हैं। उधर कल देर रात से हो रही भारी बारिश के कारण टिहरी जिले में जनजीवन प्रभावित हुआ है। गंगी गाँव में भारी बारिश के कारण गदेरे में आए मलबे से 14 मवेशियों के बहने की सूचना है। इसके अलावा कई कच्ची छाने और घराट भी बह गए। नुकसान का जायजा लेने के लिए घनसाली के SDM के नेतृत्व में राजस्व विभाग की एक टीम गंगी गांव पहुंच गई है। उधर जिले में गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग भी भूस्खलन से बाधित है। साथ ही जिले के राजमार्ग और 5 ग्रामीण सड़कें भी बंद हैं। घनसाली तहसील में हमारा गंगी गांव है। गंगी गांव से ये सूचना है कि अतिवृष्टि की वजह से वहाँ पर कुछ गौशालाओं को नुकसान हुआ है और कुछ घरों में पानी गया है और खेतों को भी नुकसान हुआ है। तो राजस्व विभाग की हमारी टीम SDM के नेतृत्व में वहाँ के लिए रवाना हो चुकी है और जो भी वहाँ पर आपदा की वजह से नुकसान हुआ होगा उसमें तत्काल हम लोग राहत और बचाव कार्य शुरू करेंगे। इसके अतिरिक्त अगर जनपद में रोड्स की बात की जाए तो 2 हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग अभी बंद हैं, जिसमें कि तोता घाटी के समीप नेशनल हाईवे हमारा बंद है। प्रत्येक मार्ग पर मशीन काम कर रही है और संभावित समय के साथ हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि आज शाम तक अथवा कल सुबह तक हम सभी मार्गों को खोल लेंगे। देहरादून में भारी बारिश के कारण IT पार्क के पास सड़क पर बह रहे नाले में कार बह गई। बारिश से रिस्पना और तमसा नदियों में भी भारी उफान देखने को मिला। टपकेश्वर मंदिर में भारी बारिश के कारण सीढ़ियों में काफी मात्रा में पानी बहने लगा। इसके अलावा शहर के दूसरे हिस्सों में जलभराव होने से लोगों को आवाजाही में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तराखंड में भारी बारिश का ये दौर जारी है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों के लिए पूर्वानुमान जारी किया है। पूर्वानुमान के अनुसार 11 अगस्त को उत्तराखंड के पिथौरागढ़, बागेश्वर, नैनीताल, चंपावत, पौड़ी, देहरादून, हरिद्वार, टिहरी, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, अल्मोड़ा, ऊधम सिंह नगर और चमोली जिलों में ज्यादातर इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, जबकि 12 अगस्त को राज्य के सभी जनपदों के अधिकांश स्थानों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। 14 अगस्त को भी राज्य भर में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। चमोली जिले के पोखरी तहसील के गोपेश्वर हापला मोटर मार्ग पर आज सुबह एक दर्दनाक हादसा हो गया। सड़क से गुजर रहे वाहन पर पहाड़ी से अचानक मलबा गिर गया। इस हादसे में पोखरी नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी की मौके पर ही मृत्यु हो गई। जानकारी के अनुसार वाहन में अधिशासी अधिकारी समेत 4 लोग सवार थे जो गोपेश्वर से पोखरी जा रहे थे। अन्य 3 लोग सुरक्षित हैं। वहीं दूसरी ओर कर्णप्रयाग नैनीसैंण मोटर मार्ग पर भी एक कार पर पहाड़ी से बोल्डर गिरने से वाहन क्षतिग्रस्त हो गया। कार सवार 3 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को CHC कर्णप्रयाग में भर्ती कराया गया है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की उच्च स्तरीय टीम ने हरिद्वार का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने आपदा विशेषकर बाढ़ के समय प्रभावित लोगों की मदद करने और डूबने वालों को बचाने के प्रबंधन की मॉक ड्रिल की। टीम ने आपदा मित्रों का हौसला बढ़ाया।
इस दौरान एसडीआरएफ की टीम ने उनको आपदा के समय लोगों को रेस्क्यू करके बचाने का प्रशिक्षण भी दिया। एनडीएमए के संयुक्त सचिव रमेश कुमार ने बताया कि वो आपदा मित्रों के काम से संतुष्ट हैं। उन्होंने कहा कि आपदा में पुलिस, एसडीआरएफ और आपदा मित्रों का तालमेल जरूरी है। एसडीआरएफ एक तो रिस्पांस फोर्स है, स्टेट लेवल रिस्पांस फोर्स है। जिस तरह जब भी आपदा आती है तो वो डायरेक्टली को एक्शन दो, वो एनडीआरएफ के साथ भी करते हैं। सबसे पहले एसडीआरएफ करते हैं, उसके बाद एनडीआरएफ भी आ जाते हैं। सो एसडीआरएफ का जो इनफैक्ट उसको एक्सपर्टाइज है, जो जिस तरह आपने देखा जो आपदा मित्र के साथ है, उनको शेयर करना बहुत जरूरी है। सो हम बहुत संतुष्ट हैं। सुधार वाला चीज़ ये कंटिन्यूस है, इसका सुधार वाला रिफ्रेश ट्रेनिंग वाला कहते हैं ना, आपदा वाला है ना, तरीका चेंज होते रहते हैं और इनको एकदम फिट भी करना चाहिए, मेंटली, फिजिकली और कुछ टेक्निक तरीके से इनको फिट करना चाहिए, वो बहुत जरूरी है। हम भी प्लान कर रहे हैं इसका। अभी एक बोल दिया हमने, हमें पूरा 350 का डिस्ट्रिक्ट में ऑलमोस्ट 100,000 का है ना, 100,000 का वॉलंटियर फाइस पैदा करने के लिए, बिकॉज ये वॉलंटियर फोर्स है ना, फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स बोलते हैं अंग्रेजी में, बोलते हैं फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स। सबसे पहले जो आपत्ति आते हैं, आपत्ति आने के बाद ये लोग जाते हैं इन पर। जिलाधिकारी सी रविशंकर ने बताया कि हरिद्वार बाढ़ की दृष्टि से काफी संवेदनशील है। एनडीएमए ने देश के 25 शहरों को चिन्हित किया है, 200 आपदा मित्रों को विशेषकर प्रशिक्षण देकर आपदा प्रबंधन के कार्य में लगाया गया है। आज एनडीएमए के एंटायर टीम जो है यहाँ पे पहुँचे हैं, इसमें मेंबर सर भी यहाँ उपलब्ध हैं, उपस्थित हैं। और ये जो आपदा मित्र स्कीम जो हरिद्वार जनपद में जो किया गया है, ये पूरे जनपद में, पूरे देश में जो है 25 जनपद को चूज़ किया गया है जहाँ पे बाढ़ का जो समस्या है। ऐसे जनपदों में 200 वॉलंटियर्स जो है प्रत्येक जनपद में ट्रेन किया गया है। तो ऐसे जो हमारा हरिद्वार का जो 200 आपदा मित्रों हैं, उनका जो तैयारी, उनका जो कैपेसिटी, ये पूरा जो है अवलोकन करने के लिए आज आए हैं जो टीम एनडीएमए का। तो उनके सामने जो डेमोन्स्ट्रेशन किया गया है, वो बहुत सराहनीय तरीके से जो है किया गया है। उत्तराखंड में 12 सितंबर से ई कोर्ट यानी ई लोक अदालत शुरू की जाएगी। ई लोक अदालत उच्चतम न्यायालय के साथ ही प्रदेश भर में शुरू की जाएगी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चमोली के सचिव सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि कोरोना संकट के कारण ई लोक अदालत के माध्यम से मामलों की सुनवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि ड्रॉप बॉक्स के माध्यम से वादी अपना प्रार्थना पत्र जमा कर सकता है। इसके अलावा ईमेल के माध्यम से भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। इस अदालत में बैंक ऋण वसूली, मोटर घटना प्रतिकर, 138 NI एक्ट, पारिवारिक वाद, फौजदारी, सम्मनीय प्रकृति के आपराधिक वाद के साथ ही प्री लिटिगेशन मामले भी निपटाए जाएंगे। जिन लोगों को सितंबर तक संबंधित न्यायालय में मामला दर्ज करवाना है, वे ड्रॉप बॉक्स के माध्यम से या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ईमेल आईडी dlsa.chamoli@gmail.com पर प्रार्थना पत्र भेज सकते हैं। 12 सितंबर 2020 को माननीय उत्तराखंड उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार और माननीय राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार उत्तराखंड उच्च न्यायालय परिसर के साथ साथ पूरे प्रदेश के सभी न्यायालयों में एक ई लोक अदालत का आयोजन किया जाना है। जैसा हम सभी जानते हैं कि कोविड-19 के चलते चूंकि न्यायालयों में व्यक्तिगत उपस्थिति के माध्यम से सुनवाई संभव नहीं हो पा रही है, ऐसे में जिन मामलों में पक्षकारों के मध्य सुलह समझौते के आसार हैं या सुलह समझौते के द्वारा मामला निस्तारित किया जा सकता है, उन मामलों में इस ई लोक अदालत के माध्यम से उसका उनके मामलों का निस्तारण किया जाएगा। उत्तराखंड के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की आत्मनिर्भर भारत सप्ताह की शुरुआत। देहरादून डीआरडीओ को मिली महत्वपूर्ण जिम्मेदारी। ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्री का किया जाएगा आधुनिकीकरण। आज मनाया गया विश्व बायोफ्यूल दिवस। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून ने शुरू की नई योजना, गांव-गांव पहुंचेगा बायोफ्यूल अभियान। प्रदेश भर में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित। रुद्रप्रयाग जिले के सिरवाड़ी क्षेत्र में फटा बादल। राजधानी देहरादून में उफान पर नदियां, कई इलाकों में जलभराव। और चमोली में वाहन पर मलबा गिरने से पोखरी नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी की मौत। लगातार मलबा गिरने से हादसों का बना है खतरा। अगले 4 दिन हो सकती है हल्की से मध्यम बारिश। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।